नमस्कार आप सभी को, मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज रिंग थ्योरी लेक्चर नंबर 3 में रिंग का कुछ एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। अभी हम लोग पॉलीनोमियल रिंग के बारे में बताएंगे। हम लोग यहां पर देख लेते हैं पॉलीनोमियल रिंग क्या है। अगर R एक रिंग है और X एक इंडिटर्मिनेट है तो पहले पॉलीनोमियल ओवर ये रिंग R का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। एक पॉलीनोमियल कैसा होता है, ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू दी पावर एन टाइप का होता है, जिसमें एन नॉन नेगेटिव इंटीजर है और ए नॉट ए वन ए टू डॉट 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 ए एन ये रिंग आर का एलिमेंट है। पॉलीनोमियल को हम लोग डिनोट करते हैं पी एक्स या क्यू एक्स या जी एक्स, इसी तरह से एफ एक्स से आदि आदि से हम लोग डिनोट करते हैं। रिंग आर पर जो जो पॉलीनोमियल बन रहा है सब पॉलीनोमियल को अगर हम कलेक्शन कर लेते हैं तो उसको डिनोट करते हैं आर अंडर ब्रैकेट एक्स। पहले हम लोग देख लेते हैं कि दो पॉलीनोमियल कब इक्वल होता है, दो पॉलीनोमियल का जोड़ कैसे होता है, दो पॉलीनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहला नंबर, दो पॉलीनोमियल इक्वल होने का क्या शर्त है। मान लेते हैं कि एक पॉलीनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस 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 ए एन एक्स टू दी पावर एन और दूसरा पॉलीनोमियल जी एक्स इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस डॉट 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 प्लस बी एन एक्स टू दी पावर एन, ये दोनों पॉलीनोमियल्स है जो कि ये सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स ओवर रिंग का एलिमेंट है। तो ये दोनों पॉलीनोमियल इक्वल तभी होगा जब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट, ए वन इक्वल टू बी वन डॉट 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 ए एन इक्वल टू बी एन। अब हम लोग दो पॉलीनोमियल का जोड़ के बारे में देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक पॉलीनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस 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 ए एन एक्स टू दी पावर एन और दूसरा पॉलीनोमियल है जी एक्स इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस प्लस डॉट 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 बी एम एक्स टू दी पावर एन। तो ये दोनों पॉलीनोमियल को जोड़ने के पहले हम लोग को तीन केस बनेगा कि यहां पर एन और एम है। तो पहला केस में एम लेस देन एन, दूसरा केस में एम ग्रेटर देन एन, तीसरा केस में एम इक्वल टू एन, तब एडिशन का डेफिनेशन क्या होगा। तो पहला नंबर एम लेस देन एन, तो इस समय दो पॉलीनोमियल का जोड़ अंडर ब्रैकेट ए प्लस जी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस बी नॉट, उसके बाद प्लस एक्स कॉमन अंडर ब्रैकेट ए वन प्लस बी वन, इसी तरह प्लस डॉट डॉट डॉट। चूंकि एम छोटा है एन से तो पहले एम वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो उस समय हो जाएगा ए एम प्लस बी एम अंडर ब्रैकेट में रहेगा और एक्स टू दी पावर एम, और तब एफ एक्स का और कुछ एलिमेंट्स है वो बच जाएगा, वो सब क्या है प्लस ए एम प्लस वन एक्स टू दी पावर एम प्लस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू दी पावर एम। अब केस टू हो गया, एम बड़ा है एन से ग्रेटर है तो इस समय एन का टर्म्स खत्म हो जाएगा पहले ऐड करेंगे तो इस समय एफ प्लस जी अंडर ब्रैकेट एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस अंडर ब्रैकेट
ए वन प्लस बी वन और एक्स प्लस डॉट डॉट, अब ए एन वाला पहले होगा ए एन प्लस बी एन एक्स टू दी पावर एन। अब जी एक्स का कुछ टर्म्स और बच जाएगा, वो सब क्या क्या है, प्लस ए एन प्लस वन एक्स टू दी पावर एन प्लस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए एम एक्स टू दी पावर एन। अब देखते हैं कि जब एम और एन दोनों बराबर होता है तो उस समय एडिशन हो जाएगा ए प्लस जी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए वन प्लस बी वन एक्स प्लस प्लस प्लस। चूंकि दोनों बराबर है इसीलिए ए एन प्लस बी एन अंडर ब्रैकेट एक्स टू दी पावर एन, चूंकि एन और एम बराबर है तो ये एडिशन का डेफिनेशन हो गया, दो पॉलिनोमियल को एडिशन कैसे करेंगे। अभी हम लोग दो पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताएंगे। माना कि एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू दी पावर एन और जी एक्स इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस डॉट 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 बी एम एक्स टू दी पावर एम, दो पॉलिनोमियल्स है, ये आर एक्स का एलिमेंट है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन एफ मल्टीप्लाई जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस सी एम प्लस एन एक्स टू दी पावर एम प्लस एन, जहां ये सी सब कैसे होगा, सी जे इक्वल टू ए नॉट बी जे ए वन बी जे माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए जे बी नॉट। यहां पर देखना होगा कि ए नॉट ए वन ये ए एन तक था ही, तो ए एन प्लस वन जहां यहां इस्तेमाल होगा वो जीरो हो जाएगा, ए एन प्लस टू भी जीरो हो जाएगा, इसी तरह एन से बड़ा वाला जितना है ए एम प्लस एन भी जीरो हो जाएगा। उसी तरह बी वाला देख रहे हैं बी नॉट बी वन यहां पर बी एम तक है, तो बी एम प्लस वन जीरो हो जाएगा, बी एम प्लस टू जीरो हो जाएगा और इसी तरह बी एम प्लस एन भी जीरो हो जाएगा। तो ये दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन भी एक पॉलिनोमियल हो गया। अभी हम लोग आर एक्स में जीरो एलिमेंट के बारे में बताएंगे। तो जीरो एलिमेंट क्या होता है, यह जीरो पॉलिनोमियल हो जाता है। जीरो पॉलिनोमियल कैसे होगा, जैसे ए नॉट का वैल्यू भी जीरो हो गया, ए वन का वैल्यू भी जीरो हो गया, ए एन का भी वैल्यू जीरो हो गया, सब जितना ए वन ए टू ए नॉट ए वन ए टू सबका वैल्यू जीरो हो गया। इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल का मतलब वो जीरो हो गया। इसमें ए आई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई। अब यूनिटी एलिमेंट आर एक्स में बताएंगे। तो यूनिटी एलिमेंट कैसे होगा, यहां पर ए नॉट वन हो जाएगा, अब बाकी सब ए वन ए टू ए एन सब जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ये यूनिटी एलिमेंट आर एक्स में एक कॉन्स्टेंट है, वो कॉन्स्टेंट वन है, जिसमें ए नॉट वन और ए आई इक्वल टू जीरो फॉर आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब हम लोग दिखाएंगे कि वी शैल शो दैट आर एक्स विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग, ये दिखाना है। तो सबसे पहले फर्स्टली टू शो आर एक्स विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज ए ग्रुप दिखाना होगा। तो नंबर वन क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ में क्या होता है, लेट एफ एक्स और जी एक्स
ये आर एक्स का एलिमेंट है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो पॉलिनोमियल ये एफ एक्स और जी एक्स जब जोड़ते हैं तो और एक पॉलिनोमियल बन जाता है जो कि आर एक्स का एलिमेंट है, तो सिंस एफ एक्स प्लस जी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स तो हो गया क्लोजर लॉ होल्ड कर गया, देयरफॉर क्लोजर लॉ होल्ड्स। नंबर टू एसोसिएटिव लॉ, माना कि एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स ये तीन पॉलिनोमियल है, आर एक्स का एलिमेंट है, तो ये करके देख सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, क्योंकि ये इक्वल टू अभी एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स होता है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड किया, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। नंबर थ्री जीरो एलिमेंट आर एक्स में सिंस एफ एक्स प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स। नंबर फोर माना कि एफ एक्स आर एक्स का एक एलिमेंट है, मतलब एक पॉलिनोमियल हो गया, इंप्लाइज दैट माइनस एफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा और एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स ये जीरो एलिमेंट हो जाएगा, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन आर एक्स एग्जिस्ट। हम लोगों को एडिशन के लिए क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चारों प्रॉपर्टी फुलफिल हो गया, तो ये आर एक्स बाइनरी ऑपरेशन एडिशन पर एक ग्रुप हो गया। अभी मान लेते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल्स हैं और ये हम लोग टेस्ट करके देख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस एफ एक्स तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो गया, तो ये ग्रुप के साथ कम्यूटेटिव लॉ भी आ गया, तो ये आर एक्स बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के साथ एक एबेलियन ग्रुप हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन में दिखाएंगे कि आर एक्स विथ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन एक सेमी ग्रुप है, तो सेमी ग्रुप के लिए क्लोजर लॉ देखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स ये आर एक्स का एलिमेंट है, तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन में देखे हैं कि दो पॉलिनोमियल को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एक पॉलिनोमियल बन रहा है, इसका मतलब है एफ एक्स और जी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक पॉलिनोमियल का एलिमेंट हो जाएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, अंडर ब्रैकेट एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स मल्टीप्लाई एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स अंडर ब्रैकेट जी एक्स मल्टीप्लाई एच एक्स, अगर एफ एक्स जी एक्स एच एक्स तीनों पॉलिनोमियल्स है तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो गया।
तो मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ हो गया, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन में ये आर एक्स सेमी ग्रुप हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक करेंगे, मान लेते हैं कि एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स ये आर एक्स का एलिमेंट है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एफ एक्स मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट जी एक्स प्लस एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स प्लस एफ एक्स मल्टीप्लाई एच एक्स। इसको लिख सकते हैं कि एफ मल्टीप्लाई जी एक्स इसको एफ मल्टीप्लाई एच एक्स। अब हम लोग ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, राइट वाला देखते हैं कि एफ एक्स को राइट साइड में रखने पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया आर एक्स एडिशन में एबेलियन ग्रुप और आर एक्स मल्टीप्लीकेशन में सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो आर एक्स एडिशन और मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक रिंग हो जाएगा। चूंकि एफ एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको उल्टा करके जी एक्स और एफ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया मल्टीप्लीकेशन में। फिर यूनिटी एलिमेंट भी आर एक्स में रहता है क्योंकि वो यूनिटी पॉलिनोमियल हो गया, तो ये पॉलिनोमियल मतलब यूनिटी भी दिया और कम्यूटेटिव भी मल्टीप्लीकेशन में दिया, तो इसका मतलब हो गया ये आर एक्स बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो गया, यूनिटी के साथ कम्यूटेटिव रिंग हो गया। अभी हम लोग एग्जाम्पल टू के बारे में बताएंगे, इसमें रिंग ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस है। माना कि एस है एक सेट जो कि जितना रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन है उसका कलेक्शन। जैसे मान लीजिए एफ एक रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है कि यहां पर क्लोज इंटरवल ए बी है इस पर डिफाइंड है और ये रियल वैल्यू देता है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है एफ, तो ये एफ मेंबर हो जाएगा एस का। इसी तरह जी दूसरा रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है, यस ये भी क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है, तो ये दो एलिमेंट एफ और जी है एस का जो कि रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन हो रहा है। तो ये लोग का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के बारे में पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो एडिशन कैसा होगा, एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, और मल्टीप्लीकेशन एफ मल्टीप्लाई बाई जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। अब जीरो एलिमेंट कैसा होगा, जीरो एलिमेंट एक जीरो फंक्शन है जिसको डिफाइन करते हैं जीरो एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, इसी को हम लोग जीरो एलिमेंट बोलेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट के सहारे हम लोग दिखाएंगे कि एस जो सेट ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस है एस प्लस मतलब एडिशन के साथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के साथ एक एबेलियन ग्रुप है, दूसरा नंबर एस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ एक सेमी ग्रुप है, और नंबर थ्री लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के समय हमको एडिशन और मल्टीप्लीकेशन साथ साथ लेना पड़ता है, इसीलिए एस विथ बाइनरी कंपोजिशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों लॉ को फुलफिल करता है। तो हम लोग को ये तीनों कंडीशन से हम लोग देखते हैं
कि s विद बाइनरी कंपोजिशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग, एक रिंग है। तो ये रिंग को हम लोग डिनोट करते हैं सी ए बी, सी मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं, रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी को डिनोट कर रहा है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट अगर ले लेते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, तो दोनों का मल्टीप्लाई ही कम्यूटेटिव दिखा रहा है। दूसरा यूनिटी एलिमेंट और यूनिटी फंक्शन होगा वन एक्स इक्वल टू वन, ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो ये भी यूनिटी एलिमेंट हो जाएगा। इसका मतलब है सी क्लोज इंटरवल ए बी विथ बाइनरी कंपोजिशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग, कैसा रिंग, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।